हादसा था, मैं किसी तरह टेस्ट से बच निकली। मेरे मम्मी डैडी तो मुझे मार ही डालते। प्लीज, तुम तो हमेशा घूमने के लिए निकल जाती हो और आखिरी टाइम में कैसे भी पास हो जाती हो। मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब आसान है बोलना, हम क्यों कंप्यूटर से हैक नहीं करते जैसे ये करके ग्रेड बदल देते हैं। hey, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कभी भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे जो जानती हो वो हमें भी सिखा सकती हो। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, अच्छे मार्क्स लेने से कोई होशियार नहीं होता। इससे अच्छा होगा कि तुम मेहनत करो, कंप्यूटर पर तुम ध्यान दो और इससे तुम अच्छे रिजल्ट से पास हो सकती हो। तब तुम्हें पता लगेगा जीनियस कौन है। हेलो गर्ल्स। हे हेक्टर। हाय बेबी। गाड़ी अभी ठीक करवा के आया हूँ। वांट अ राइड? जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, बाय। कौन है वो? वो हेक्टर मेरे भाई का अच्छा दोस्त है और उसका एक गैंग भी है, वो एक ड्रग डीलर भी है। ओ, ऐसा क्या? वो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, मैं कुछ भी बोलूं लेकिन बुरा नहीं मानता है। ओके, रात का क्या प्रोग्राम है? मैं तो सीरियसली एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। क्या तुम लोग के टाउन जाना चाहोगे? टॉर्चेस? हाँ वही। हाँ, वो तो नाइट क्लब है। अरे हाँ, वहाँ 21 होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें 21 होना जरूरी है। उन लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ जिससे तुम 21 लगो। हे, ये मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड है क्या? तुम अपने पेरेंट्स से क्या बोल के आई हो कि रात को कहाँ जा रही हो? देखा, चर्च जा रहे हैं। रात के 9 बजे? पहले तुमने अपने घर में क्या बताया? मैं बताना भूल गई। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर रहने वाली हूँ और मेरी छोटी बहन ने मेरी मदद की थी। मैंने तो बोल दिया कि मैं हना के घर जा रही हूँ। हाँ, वैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मैं अपने भाई के घर में रहूंगी वीकेंड में। मुझे डर है कहीं वो फोन ना कर दे। वैसे मामला क्या है? विवियन तो सब कुछ दिखाना चाहती है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियों पे सबकी नजर होती है। तो तुम भी चाहती हो वो तुम्हारी तरफ देखें? शायद। अगर तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे कुछ किए बिना लोग तुम्हें नहीं देखेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? 2 बज गए हैं, पूरी रात वो लड़का तुम्हें देखता रहा, समझी? सच कह रही हो? या वो स्मार्ट है, देखो। मुझे नहीं लगता मुझे देख रहा है वो। छोड़ो ना यार, भरोसा रखो, तुम सुंदर हो, विवियन से ज्यादा तुम में चमक है। तुम बातें अच्छी कर लेती हो, अब तुम कहोगे कि मेरा दिमाग भी तेज है और मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी है। सकती है लेकिन उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, तो अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में? वो देखो। ओह, हमारी सुजी की किस्मत अच्छी है लगता है। लगता है हम भी उस लड़के पे डोरे डाल रही है। शायद उसको लड़के पसंद ना हो पर बड़ी उम्र के लोग पसंद है। कौन है वो? तो तुम लोग यूएसए जाओगे? हाँ, मैं फिल्मी प्रोग्राम करता हूँ और वो जो मेरा दोस्त है वो एक इंटेलेक्चुअल है। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, बस यही है। वहाँ तो सब आराम से रहते हैं। हाँ। और तुम लोग? वेट, मैं ही बताता हूँ। प्रीमेट्स? नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं और है ना कभी नहीं। है ना? है। हाय। और तुम? ओह सॉरी, मेरा नाम सुजी है। मैं स्टीव हूँ। स्टीव। और तुम तो जानती हो वो वैज है। ये ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे हैं। या विस्की सॉर्स, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ हट के लेकर आऊं। तुम सोचते हो कि हम हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं? मुझे पता नहीं, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, पर तुम एक तो ड्रिंक ले आओ, देखते हैं क्या होता है। तो तुम्हें एशियन लड़कियां पसंद है? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट, होशियार और खूबसूरत होती है। तो तुम ऐसा समझते हो? तुम जो कह रही हो सब लड़के ऐसे ही सोचती है, लेकिन एशियन लड़के ऐसे नहीं सोचती है। तो मुझे पसंद करो तो सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तुम्हारी ये बात अच्छी लगी मुझे। सॉरी, मेरा मतलब ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी किसी से रिश्ता नहीं बनाना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता। Hey, ये तुम्हारे दोस्त हैं? वैसे ये स्टीव है और ये वैस। अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाय विवियन। हाय, मैं हूँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल। वन मोर राउंड।
लगता है तुम लोग पहली बार आई हो, मैंने तुम लोगों को इससे पहले कभी नहीं देखा। वैसे मैंने कुछ नोटिस किया है। वो क्या? तुमने मेरी दोस्त को फंसा लिया 5 मिनट के अंदर। तुम हेरा के बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि उसे ये सब पसंद है। ओह थैंक्स। सो गर्ल्स, तुम लोगों की उम्र क्या है? वैसे हमारी आईडीज बताते कि हम 21 के हैं। ओके, मुझे तुम्हारी अदा पसंद है। हम भी यही सोचते हैं। सब लोगों का यही ख्याल है। तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हम लोग एक बहुत ही खास जगह पे जा रहे हैं। क्या वो कोई क्लब जैसा है? नहीं, क्लब तो नहीं है, हमारे कुछ दोस्त है, उनकी एक फुटबॉल टीम है। वहाँ कुछ खास कमरे हैं जहाँ अमीर लोग आके ठहरते हैं, हम कभी कभी वहाँ जाके मस्ती करते हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकती। है ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं है, तुम अपने दोस्तों से पूछ लो, अगर वो जाना चाहेंगे तो। ओके। बहुत मुश्किल है, वैसे हमें लड़कों को जानते तक नहीं। जानना क्या है, वो बस यूएससी जाते हैं। अजय भी गया है यूएससी। सच में? चलो ना, ये लड़के वहाँ बहुत मजा करने वाले हैं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। कम से कम सूजी के लिए तो आ जाओ, ये लड़के उसे बहुत पसंद करते हैं। सुनो, किसी को पता नहीं है हम लोग कहाँ हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा? हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम तो सिर्फ पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, तुम मत जाओ, लेकिन हम अब बड़े हो गए हैं और किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इस अंधेरे में अगर किसी को रहना है तो रह सकता है, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। मैं भी। ओह, मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं चला मैंने इतनी पी ली है। Don't worry, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे ये पार्टी मैंने तो सिर्फ दो ही पैक लिए थे, पता नहीं मेरा सर क्यों घूम रहा है। हम लोग कहाँ आ गए हैं? इस होटल में पैक बहुत स्ट्रांग है। मैं बहुत थक गई हूँ, लेटना चाहती हूँ। अंदर जाके लेट जाना मेरी जान। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम चलते हैं, आप लोग मैनेज। तुमको पहला चांस दे? वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेकार बात छोड़ो, इसे पसंद करो। क्या तुम सचमुच तैयार नहीं हो? बॉस, वैसे हम यहाँ किस लिए आप जानते हैं? हमें अपने पैसे मिल जाए वो काफी है, हमें तो कैश से मतलब है। बेटा, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना है। हाँ, भरोसा कर सकते हैं। मतलब भरोसा करते हैं तुम पर, मगर ऐसे कैसे निकल सकते हो तुम? आपका मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ एक को पसंद करो और हमें भरोसा दिलाओ। भगवान, उठो वीव। कहाँ? ये सब क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ हैं? लगता है उन्होंने हमें यहाँ फेंक दिया है। कौन लोग? हम कहाँ हैं? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि उन लड़कों के साथ हम एसयूवी गाड़ी में चढ़े थे। हे भगवान, हैना, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, हैना, मेरे कपड़े क्यों ऐसे हो गए? उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है ना? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, उन लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया है। उस टीम और बेस्ट थे। कुछ लोग उस होटल रूम में वेट कर रहे थे और इन लड़कों ने हमारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, बस इतना ही याद है मुझे। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। और तुम लोग? हे भगवान,
अब हम क्या करेंगे? हमें पुलिस को खबर करनी होगी। नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत करो, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। तो तुम्हें ये डर है कि तुम्हारे माँ बाप को पता चल जाएगा कि हम झूठ बोलकर रात को बाहर गए? उनको पता चल जाएगा कि मैं वर्जिन नहीं रही हूँ। क्या कहा? तुम नहीं जानती कि मेरी मम्मी डैडी पुराने ख्यालों के हैं और उनकी इज्जत भी चली जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत बात है, समझे तुम? तुम्हारे माँ बाप पुराने जमाने के हैं, इसका मतलब हम पुलिस स्टेशन ना जाएं? देखो, एक वही बात नहीं है कि हम रिपोर्ट ना करें। क्या? हमारे सारे आईडीज नकली हैं और हमारे ड्रेस भी ठीक नहीं है। इसका मतलब तुम पागल हो गई हो? मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि उन्हें पता कैसे चलेगा। कौन? किसे? कैसे पता चलेगा? उन वकीलों को। मेरे डैडी एक लॉयर है, मुझे पता है उन्होंने लोगों को कैसे बचाया है। वो बहुत होशियार है उन लोगों की तरह। मैं तो उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे इसके डैडी कितने भी बड़े क्रिमिनल लॉयर क्यों ना हो। तुम लोग इसकी बात क्यों माना चाहती हो? क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। जब मैं छोटी बच्ची थी। तुम्हारे साथ गलत हुआ था? नहीं, परेशान किया था। जब मैंने उस लड़की के बारे में बताया था तो किसी ने बिलीव नहीं किया। वो हादसा मैं कभी भूल नहीं सकती। प्लीज दोस्तों, चलो घर चलते। तुम सब पागल हो गए हो, मैं तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। सबसे पहले तुम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। वहाँ डीएनए मैच मिल सकता है, यदि किसी ने प्रिकॉशन ले लिया होगा तो पता लगाना मुश्किल है। वैसे होटल में मैंने फोन करके पता लगाया था तो उन्होंने कहा कि पिछली रात किसी को रूम किराए पर नहीं दिया था। ये बकवास है। मैं तुम्हें वही बता रहा जो मुझे पता चला। वैसे तुम लोगों की याददाश्त कमजोर हो सकती है क्योंकि रात को तुमने बहुत नशा जो किया। मेरे हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती थी तुम लोग सब बेकार हो। देखो, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो केस मैं लड़ रहा हूँ, हो सकता है उसका मामला इससे जुड़ा हो। तुम लोगों में से किसी ने ऐसा कोई नाम सुना था, बैनियन? गलती हुई जो यहाँ है। आओ चले। सुजी, किसने बुलाया? उन्होंने सबके पेरेंट्स को बुलाया है। सुजी, तुम ठीक तो हो? अच्छा, तुम लोगों ने अपना ऐसे कैसे लिखा? ठीक लिखा। अच्छा, हाँ, तुमने नहीं बताया ना? अब यही सोचती रहोगी? हमें ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तुम लोगों के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं इस हादसे को भूलना चाहती हूँ। तुम कैसे भूल सकती हो कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? और कोई आइडिया है तो बताओ। सुजी, सुजी, कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। तुम यही चाहती हो? हाँ, बस अकेली रहना चाहती हूँ। Hmm.
छुओ मत। वेव, तुमने हमें रोका क्यों नहीं? What? तुमने उस रात हमें रोका क्यों नहीं? हम सब में तुम्हें समझदार थी। मेरे साथ मजाक कर रही हो? अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी होती तो ये सब नहीं होता। चुप करो। हमें एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हूँ। आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सूजी की तरह करना चाहिए था। दोबारा ऐसी बात मत करना, कभी भी। मेरे दिमाग में एक बात है कि मैं सब भूल के आगे बढ़ने की सोच रही हूँ। लेकिन करेंगे क्या, हमें तो पता चल गया पुलिस बेकार है। मैं पुलिस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं इस बात को यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती हूँ। सूजी की आत्मा को शांति मिले इसलिए उन कुत्तों को सजा देना चाहती हूँ। उनसे टकराने के लिए हमें अपने आप को उनके बराबर बनना होगा। नहीं, मैं ठीक कह रही है। मैं तो उन कुत्तों को मार डालना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस के लिए जिम जाकर कुछ सीखूं और उनसे बदला लूं। इसके लिए हमें कोई तरीका सोचना होगा जिससे हम सही सलामत रहें और उनका खात्मा करें। तो तुम्हें औजार चाहिए डियर? हाँ, जैसे कि पिस्तौल, चाकू, ऐसा ही कुछ। तो तुम अब गैंगस्टर भी बनना चाहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ये सब कुछ है। तुम्हारा भाई मार डालेगा मुझे? वैसे वो काम मैं भी कर सकती हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं मुझे। वैसे तुम इन चीजों से क्या करोगी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। ठीक है, बताओ कितना चाहते हो, आखिर कितना कैश चाहते हो जिससे ये सारी चीजें हमारी हो जाएं? मैं तो पूरे 50,000 से कम नहीं लूंगा। क्या मजाक मत करो, जो चीजें मुझे चाहिए उसकी कीमत 1,000 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 1,500 ले लो। मैं औजार के लिए चार्ज नहीं कर रहा हूँ, रिस्क है उसके लिए चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, 4 grand और मार्शल आर्ट्स की चीजें भी चाहिए। यार ये तुम क्या बोल रही हो? बात मत टालो, मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हारे पास फेंकने वाले स्टार्स और स्वॉर्ड्स भी हैं। तुम लोगों की प्लानिंग क्या है? वो तुम नहीं जानो तो बेहतर होगा। मुझे मेरा माल चाहिए तुरंत। तुम ये मत कहना कि उन कुत्तों को हम नहीं मारे। इतना सब कुछ होने के बाद भी याद है सूजी के साथ क्या हुआ था? सुनो, क्यों ना हम पुलिस को खबर कर दें? हाँ क्यों नहीं, पहली बार उन्होंने बहुत मदद चुकी थी। ये बेकार की बातें बंद करो। देखो दोस्तों, हमें उन दरिंदों को किसी भी तरह से सबक सिखाना होगा। हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। कल किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी। अच्छा होगा अगर हम उन्हें धमकाएं, उन्हें सबक सिखाएं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो आगे की सोचते हैं। ये सब ठीक है, पर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे उन औजारों को खरीदने के लिए? हाँ, मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। हम 2 चिड़िया मारेंगे एक पत्थर से। तुम लोगों को याद है ना कि उन लोगों ने हमें कैसे अगवा किया? हमसे बात करते हुए वो किसी किटी के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर? वैसे मैं जिस किटी के बारे में जानती हूँ वो एक स्ट्रिप जॉइंट है लेन 101 में। और उससे हमें कैसे मदद मिलेगी? वैसे स्टीव और वीस के लिए ये एक रेगुलर स्पॉट होगी मिलने के लिए। तो क्या हम अपना समय बर्बाद करेंगे उनका बाहर वेट करते हुए? नहीं, बाहर नहीं, अंदर जाएंगे। नहीं, नामुमकिन है। यही सही रहेगा हम लोगों के लिए। किसी भी तरह उन्हें फंसाएंगे। लेकिन कैसे? देखो इन सब स्ट्रिपर्स को, सब बूढ़ी हो गई हैं। और उसको देखो, वो 30 साल की लगती है, बहुत बड़ी है। हाँ, तो फिर? तो हम उन सब से बेहतर हैं, हम उन सब से छोटे हैं। So, मैंने सुना तुम यहाँ डांस करना चाहती हो। सही पहचाना। वैसे हम सब लड़कियों को मेन रूम में रखते हैं शुरू में, पर ऑडिशन के समय सबको इसी VIP रूम में रहना पड़ता है, समझी? सब 18 से ऊपर होना। Everything can hit the ground, hit the ground.
10 बजे पहुंच जाना, समझे? अपने आईडी जरूर लेके आना। हेलो, कैसी हो गर्ल्स? आपको कैसा लगता है? मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सका, लेकिन मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े या कुछ याद आए तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू। बुरा भी नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ। बस इतना याद रखो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। तुम समझती हो मैं भूल चुकी हूँ। चिंता मत करो हना, अगर वो लोग आएंगे तो हम पहचान लेंगे। तब तक हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। ये क्या है? बताता हूँ, ये गिरोट है। जिस पर हमला करना है उसके गले में बांध दो, बस फंस गया समझो। और भी है? हमें ये सब सिखाने के लिए कोई चाहिए। बात अपने पेरेंट्स से ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि हम अपने कॉलेज के लिए पैसे जमा करें। वो हमेशा आते हैं, बात क्या है? एक ने मेरे साथ बदतमीजी की और दूसरे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेबी, मैं उनको सबक सिखा के आता हूं। जब तक
रेस्पेक्ट देना सीखो तब वापस आना। कमीनो, हमें पहचानते हो? तुम लोगों को यही तरीका अच्छा लगता है ना? हम तुम लोगों को सबक सिखाएंगे और तुम बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे। अगर चिल्लाओगे तो शूट कर दूंगी तुम्हें। हम लोगों ने ये रूप अपनाया है तुम लोगों से बदला लेने के लिए। तुम समझ गए होंगे कि हम कौन हैं। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया जो इस तरह बिहेव कर रहे हो। जानती हो किससे टकरा रहे हो तुम? वैसे हम बिल्कुल नहीं जानते कि तुम किस खेत के मूली हो। तुम उन लोगों का पता दोगे जिन्होंने हमारे साथ गंदा काम किया था। हमें उनसे बात करनी है। रुको, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हमें मार डालेंगे। तो तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे? रुको, मैं कहता रुको। मुझे लगता है तुम्हें पैसा चाहिए। कितने पैसे चाहिए? जितना चाहोगे उतने देंगे। हमें उन लोगों से मिल जाएंगे। किसके लिए काम करते हो? कौन है तुम्हारे पीछे? वो हम नहीं बता सकते। मेरा मतलब यही है। वैसे हम बहुत काम करते हैं बस पैसों के लिए। तुम्हारी बातों में दम नहीं है स्टीव। हम कुछ नहीं जानते, ओके? जिसके लिए हम काम करते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। हमारा काम बस इतना है कि लड़की लाना और पैसे लेके जाना। तुम कमीने कुत्ते हो। रुको, रुको, एक मिनट रुको, रुको। सुनो, मेरी बात सुनो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। स्टीव, जबान मत खोलो। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक है। तुम जानते हो, ये ठीक कह रही है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन टॉर्चर जरूर करूंगी। एक और बात सुनो कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम किसी लड़की के करीब जाने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से करती हूँ। अभी वहाँ तक नहीं जाऊंगी। अगर तुम हमें सच सच बता दोगे तो। ओके, मेरे पॉकेट में फोन है, जल्दी से निकालो। इसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम देख सकती हो। तुम्हें इससे मदद मिलेगी। तो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें है ना? हाँ। तुम्हारे कितने क्लाइंट्स हैं? कितनी लड़कियों को तुमने बर्बाद किया है? I'm sorry. Oh my God. शराब। ये तुमने क्या किया? पिस्तौल अचानक चल पड़ा। चिल्लाओ मत। Oh my God. ये तुमने क्या किया? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जो हमें पहले करना चाहिए था, आज हम मुर्दों के साथ हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं है। बस करो, बस करो। भगवान ही हम सबको बचाए। तुम ठीक हो ना? हाँ, और तुम? हाँ। ये तुमने क्या किया है ना? हम तो सिर्फ उन्हें धमकाना चाहते थे। मुझ पे क्यों आरोप लगा रही हो? क्योंकि वेस को मैंने अपने बचाव के लिए मारा था, तुमने उसे जानबूझ के मारा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बस एक आवाज सुनी थी। मैं उसे जानबूझ के नहीं मारना चाहती थी। जो पहले हुआ मैं मानती हूँ। वैसे तुमने अच्छा किया, उसे सबक सिखाया। कुछ आवाज आई थी, कुछ आवाज आई थी और तुमने उसे मार डाला। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। याद करो उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। ये मुझे दो। अब क्या कर रही हो? मैं पुलिस को फोन लगा रही हूँ। तुम नहीं बुला सकती पुलिस को, यहाँ तो बॉडियाँ हैं, समझो। हमको मदद चाहिए इस वक्त थाना में। फोन मुझे दो। तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ, फोन दो मुझे। हमें यहाँ से किसी तरह बच निकलना है, पहले तुम ये समझ लो। हाँ, शायद उन लोगों ने पिस्तौल की आवाज सुनी और आ गए। हाँ, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। वैसे इतनी रात को वो घूमने क्यों आए थे? पेजर? इस जमाने में इसके पास क्यों है? ये कोई पेजर नहीं लगता मुझे, तो ये कोई ट्रैकिंग डिवाइस लग रहा है। हमें उन्हें किसी भी तरह पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा वो किसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इन लोगों को ढूंढते हुए वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब वो लोग जान गए हैं कि हम लोग उनके पीछे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन इन चीजों के साथ इसे फेंक दो। बाहर जाके कोई बस या कार मिलेगी तो चढ़ के निकल जाएंगे। वो इन्हें मरा देखेंगे तो हमें ढूंढने चले आएंगे। मुझे तो लग रहा है कोई यहाँ पहुँच गए होंगे। शायद पुलिस भी आ सकती है। ओके, शायद इससे भी हमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। नहीं, रुक जाओ। किसके लिए? मेरे दिमाग में एक बात आई है। तुमने कहा था कि वो दोनों किसी आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उसका पता हम लगा सकते हैं इस ट्रैकिंग डिवाइस से। इसीलिए हमें उनको सबक सिखाना होगा। छोड़ो। लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब गलत हो रहा है।
हमें उनका पीछा करने के बजाय उन्हें अपने पीछे बुलाना चाहिए। हमें कुछ पता नहीं है कि इस ट्रैकिंग डिवाइस से क्या होने वाला है। हमारे साथ जो भी होने वाला है वो इसके साथ या इसके बिना भी हो सकता है। इसे बाहर फेंक दो। समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं। मेरा भी यही ख्याल है। हाय। हाय हना। हाय। तुम वो फोन लेके आई हो? हाँ मेरे पास है पर्स में। हे भगवान है ना, उसमें कुछ ट्रैक करने का सामान रखा होगा। तो मैंने कल रात को अपने बगल वालों के घर के पिछवाड़े में छुपा दिया था। सुबह मैं वहीं से लेके आ रही हूँ। अगर कोई हमें ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। इससे हम खतरे में पड़ सकते हैं। हम पहले से ही खतरे में हैं। इस सब को बंद करना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जब तक वो लोग नहीं मिल जाते। मुझे सबके फिंगरप्रिंट और आईडी चाहिए बहुत जल्दी। इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। शायद इनमें से कोई भी हो सकता है। पता नहीं, मुझे लगता है हमें एक एक को फोन करके पता लगाना होगा। क्या तुम उन लोगों की आवाज से उन्हें पहचान पाओगे? हाँ, मैं उन लोगों को जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा, हम ये भी करके देख सकते हैं। हेलो, ये वो नहीं है। श्योर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। के साथ हूं। वैसे मामला क्या है? स्कोर चार्ल्स वैन गोल्ड। एड्रेस है उसमें? नहीं, सिर्फ नंबर है। तुम उसका पता निकाल सकती हो? प्लीज, मेरी बेइज्जती कर रही हो। ये लोग यहीं थे, हमेशा आते जाते रहते थे। इन लोगों ने बदतमीजी की थी हमारे लोगों के साथ, इसलिए इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। ऐसी जगहों पर गलत बर्ताव तो होते ही रहते हैं, समझे तुम? यहाँ एक लड़की ने मुझे बाहर जाने के लिए बोल दिया और धक्का भी मार दिया। बता, जबान बंद करो, ये एक फर्स्ट क्लास जेंटलमैन क्लब है। ओहो, इसका मतलब जो जेंटलमैन कल रात को मारे गए थे उन लोगों ने लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, इसलिए उन्होंने मारा। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं समझ रहा हूँ कि तुम रात के बारे में बात कर रहे हो। मेरी तीन सुंदर लड़कियां रात को चली गई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं। उसके बाद हमने नहीं देखा उन्हें। उनका नाम? क्या असली नाम? जी हाँ। देखिए, आप मेरा भेजा क्यों खा रहे हैं? आप जाके अपने लोगों से पूछिए ना। अरे आप जानते हैं ना, मैं अपना पैसा पूरा भर देता हूँ। जानता हूँ। ओके, कम से कम उन लड़कियों का हुलिया तो बता सकते हो? बिल्कुल, जवान, घर, एशियंस, जैसे चाइनीज, जापानीज, कोरियन। ये बेकार की बातें मैं नहीं जानता, वो सब एक जैसी लग रही थी। थैंक यू, आपने मेरी बड़ी मदद की। ठीक है,
बहुत हो गया। क्या हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा? हम रात के 10 बजे तक देखेंगे, अगर कोई नहीं आया तो फिर कल हम दोबारा आएंगे। कितनी और रातें ऐसे ही इंतजार करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन सुजी के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। कमरे में आई हो? लेकिन मैंने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया और मेरे दोस्त भी अभी तक नहीं आए हैं। क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? पता नहीं, तुम जानते हो? जानता हूँ, शायद पहले मिल चुका हूँ। चुपचाप बैठ जाओ। थोड़ा सब्र करो, मेरे पास बहुत पैसा मैं है। मैं कहती हूँ बैठ जाओ। कितना चाहिए बोलो, जितना भी मांगो मैं दे सकता हूँ। मुझे सोचने दो, या बेटर होगा मैं तुमसे पूछूं, तुम कितना लोगे अगर कोई तुम्हें ड्रग्स देने के लिए कहेगा? या किसी कमरे में लोगों के बीच किसी को बर्बाद करने के लिए कहे तो? लोग, मुझे पता है तुम लोग मुझसे विनती करने को आए हो। विनती है हमारी? चुप करो, शायद तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है चार्ल्स, हमारी भी एक विनती है। कल मैंने तुम्हारी लड़कियों को देखा था, वो दोनों बहुत सुंदर हैं। तुम उन दोनों की क्या कीमत लगाओगे अगर कोई चाहेगा तो? और कितनी देर लगेगी किसी को उसको बर्बाद करने के लिए? कुछ समझे तुम? मेरी बेटियों के बारे में सर की बातें मत बोलो, वो बहुत ही भोली हैं। भोली हैं? हम भोली नहीं लगती थी जब हमें बर्बाद किया। मेरा मतलब उसे नहीं है। अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। मेरी बात मानो, मैं जानता हूँ कि हर एक चीज की एक कीमत होती है। अपनी कीमत बताओ, मैं दूंगा तुम्हें जो भी तुम चाहोगी बोलो, और किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे छोड़ दो, उसके बदले जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। ये मेरी कीमत है तुम्हें छोड़ने की, कुछ समझे? रुको, आवाज मत करो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। रुको, कुछ मत करो। बताओ कैसे काम चलता है? वो एक नेटवर्क है। ये जो तुम लड़कियों के साथ करते हो वो डिटेल में बताओ। मुझे नहीं पता ये तुम कैसी बातें कर रही हो। ओके, ठीक है। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो बताओ कि हमारा इस्तेमाल क्यों किया, क्यों बर्बाद किया? मेरे बॉस ने मुझसे एक काम करवाया, हम अपने क्लाइंट्स का डिनर करने के लिए करते हैं, जो बहुत अमीर है हम उनको फंसाते हैं और उनको खुश करने के लिए हम ये सब करते हैं। और इसका मतलब है कि तुम छोटी लड़कियां और नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करते हो? ये देखो, ये सब एक नेटवर्क है, एक फोन डायल करना पड़ता है और उसी के द्वारा सब कुछ हो जाता है। और वो लोग हमें कहाँ मिलेंगे, वो क्लाइंट कहाँ मिलेंगे जिनके हाथों हमें सौंपा था? तुम उन लोगों के साथ क्या करोगी? कितने दिनों से तुम्हारा ये धंधा चल रहा है? मुझे कुछ याद नहीं है, शायद। बताओ जल्दी। शायद 7-8 सालों से। हे भगवान, कितनी लड़कियों के साथ? वो तो निर्भर करता है कि इस कमीने जैसे और कितने होंगे। चार्ल्स सब कुछ बताओ, तुम इसके बारे में और कितना जानते हो? क्या तुम समझते हो कि हम एक दूसरे के घर में छुट्टियां मनाते हैं मौज करने के लिए? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, मैं कोई होशियारी नहीं दिखा। तैयार हो जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम उन बेशर्मों के बारे में अच्छे तरह से जानते हो। सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमें सच बताओ, वो लोग कौन थे जिस दिन हमारे साथ वो अत्याचार हुआ था? मैं कसम खाता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। अंदर मत आना।
आओ चलो अंदर चलते हैं। अंदर आइए। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? हमारा मतलब सॉल्व नहीं। चलो यहाँ से जल्दी निकल आओ। चले तो सब हो गया समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने उनको पकड़ लिया, जो भी उस होटल के कमरे में था सब मारे गए। खत्म। सब खत्म हो गया? उसे कोई मदद मिली? कुछ हुआ? देखो हमें खुश होना चाहिए कि हम ये सब कर पाए। हमने दिखा दिया कि हम ये सब कर सकते हैं। सही बात है, मैं भी मानती हूँ। चलो कल मिलते हैं। देखो यहाँ क्या हो गया है। ऐसा काम तो मैं चाहता था। ऑफिसर ग्रेट, ये तो हेलो, आपका भी पार्टी में स्वागत है। लगाओ हथकड़ी। तुम भी चलो जाओ। देखो क्रिस, मैं जैक गार्नर हूं, यहां का डिटेक्टिव। तुम्हें कुछ चाहिए, पानी या कॉफी? अरे भाई साहब, मैंने सब कुछ बोल दिया ना आपके पार्टनर को। मैं लड़कियों को क्लब में मिला था, उनके साथ निकल पड़ा, दैट्स ऑल। मैंने सोचा मेरे दोस्तों को वहां पर। आराम से बैठो। देखो वो लड़कियां पूरी की पूरी तरह नशे में थी। ओके, अगर उन लोगों ने ड्रग्स लिया हुआ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर से 16 साल की थी। वाह, लेकिन उनके आईडी में कुछ और लिखा था। इसका मतलब तुम लड़कियों से आईडी मांगते हो जब तुम उन्हें बार से उठाते हो? नहीं, कभी नहीं। मगर जब वो बार में सबसे आगे बैठी हुई थी, इसका मतलब उनकी उम्र छोटी नहीं हो सकती है। कितनी उम्र की होनी चाहिए फिर? कम ऑन सर, क्या हो रहा है ये? मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर ये जुर्म साबित हो गया तो 25 साल तक की सजा हो सकती है, ये जान लो। तुमने दो नाबालिग लड़कियों का अगवा करके उन्हें ट्रक दिया और उसके बाद सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया तुमने। आप ऐसे कुछ साबित नहीं कर सकते। तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम बुरी तरह से फंस सकते हो? जब तुम वहां पहुंचे तो तुमने देखा हो कि वहां की हालत क्या थी। 25 साल जिंदगी के बहुत अहम होते हैं मेरे बेटे। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं नहीं कर सकता। तुम किस आदमी के लिए काम करते हो, उसका नाम बताओ मुझे। मैं उसका नाम नहीं जानता, नहीं बता सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं जानता भी आप मुझे उगलवा लेते, और अगर मैं उगल देता तो मुझे मार देता। हाँ, मुझे मार देता। So I let the wind carry them with all my dreams, and we can bend like the trees. Oh no, तुम लोग चलो, मैं कुछ भूल गई हूँ। Okay. Oh,
तक कैसे पहुंच गए? जैसे हम उन तक पहुंच गए वैसे ही ये हमें डराने के लिए किया गया है, ये साबित हो गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें ढूंढेंगे और मार डालेंगे। हर एक को जो ये काम कर रहा है उन सबको मार डालेंगे। मैं नहीं जानती, मैंने शायद ठीक कहा, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मैं उस हर एक को ढूंढूंगी जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। हर एक को मौत के घाट उतारूंगी। उसने किसी का भी बुरा नहीं चाहा था, लेकिन वो हमारी वजह से चली गई। अब हमें उसका बदला लेना होगा। मासूम मारी गई हमारी वजह से। मुझे लगता है पुलिस उनसे मिली हुई है, तभी तो वो लोग हम तक जल्दी पहुंच सके। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किटी के पास वापस जाना चाहिए? वो हमें ढूंढ रहे होंगे। हमने इतना सब कुछ किया, सब बेकार हो गया। हम लोग फिर वहीं पे आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्लब, वो धोखेबाज, चाहे जैसे भी हो तुम उन्हें पुकारो, वो वहाँ जाते हैं नाबालिग लड़कियों को फंसाने के लिए। और डेफिनेटली हम लोग पहले लोग नहीं है जिनके साथ ये हादसा हुआ, और आखिरी भी नहीं। हम फिर वहाँ जाएंगे जैसे पहले गए थे और देखेंगे कि वो लोग हमें फंसाए। तो तुम लोग ये करने को तैयार हो? हमें मकसद पूरा करने के लिए एक एक कदम उठाना होगा, लेकिन करेंगे। अगर हमसे पहले किसी ने हिम्मत की होती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। और अगर सूजी जिंदा होती तो ओके ओके ओके। बहुत ही मेहनत कर रहे हो। तुम तो मेरी बीवी की तरह बोल रहे हो। जब भी मुझे वो दीवान पर आंखें बंद करके लेटे हुए देखती है तो वो समझती है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मेरे ख्याल से दोनों केस कनेक्टेड है। जो पहले मरा उसका सेल नंबर जो अभी मरा है उसके सेल फोन में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मरे वो सब मर्द एक जैसा काम करते थे। हाँ, वो भी हो सकता है। ये कोई बहुत ध्यान से चालाकी से कर रहा है, हो सकता है कोई सुपर पावर हो, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया था। देखो, वो दोनों जो मरे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। वो लड़का क्रिस, वो भी सेक्स रिंग के लिए काम करता है। किस तरह का सेक्स रिंग? जवान लड़कियां, बहुत जवान लड़कियों का। मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, उनके बॉयफ्रेंड या फिर कोई और। वो किसी भी तरह उन्हें मार रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, और अपना बदला ले रहे हैं। कमाल है। हाँ, कमाल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस केस की तह तक मैं जाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े। अगर हमने नहीं पकड़ा तो वो हर स्ट्रीट के कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। देखो, कोई भी तुम्हारी बात इस दीवार के बाहर सुनने ना पाए, समझ गए? ये हमारा काम है मार्टी। मेरा मतलब, मैं उन्हें अवश्य पकड़ूंगा। वो अमेचर्स हैं और एक ना एक दिन वो जरूर पकड़े जाएंगे, तुम देख लेना। ओके ओके, तुम बस उन केलोस को पकड़ लो, समझे? वरना मीडिया को पता लगाने में देर नहीं लगेगी कि हम इतने बड़े गैंग को पकड़ नहीं पाए। आई बात समझ में? और अगर ऐसा हो गया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मुझे एक डायट कोक मिलेगा? मुझे ये जगह पसंद नहीं। और तुम्हें? Excuse me? ये जगह ऐसी है कि यहाँ जबरदस्ती बात करनी पड़ती है, क्या कहती हो? ओह, हाँ। मेरा नाम डैनी है। जोड़ी। अच्छा लगा मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ के लिए? ओह नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। हाँ, और आप? और मैं मेरे दोस्त टिम के साथ आया हूँ। हम दोनों एक साथ यूएसए जाते हैं। ओह, तो ये बात है। हाँ, हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम है बाद में, क्या तुम आना चाहोगे? बड़ी पार्टी है, तुम आ सकती हो। जबरदस्ती नहीं है। हाँ,
मुझे पसंद है वो जगह। तो वो पार्टी इसी जगह पर है? हाँ। वो तो मर गया। वो जो मर गया मेरा दोस्त था। तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो, तुम तो इंसान भी नहीं हो मेरे लिए, तुम तो शैतान हो, मेरे बॉस के लिए मुसीबत बनी हो। अब अंदर चलो चुपचाप, अपने नए घर में रहने के लिए तैयार हो जाओ। फंस गए हैं। Oh my God! Oh my God! हे भगवान! वो हमारी राह देख रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो तुम हो? वैसे हम लोग तुम ही ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा था जो मैसेज मैंने छोड़ा था तुम उसके मुताबिक आई हो। शायद नहीं। जब मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम यहां से बाहर बिल्कुल नहीं जा पाओगे, यही तुम्हारी जिंदगी होगी। जब तक कि मैं तुम्हें निचोड़ के एक एक डॉलर वसूल न कर लूं, और उसके बाद तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुम यहीं पे घुट घुट के मर जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। हेलो विव, तुम अचानक कहाँ गायब होगी हो? पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन कोई मैसेज छोड़ दो, मैं फोन करूंगी। विवियन, तुम कहीं पर भी हो अपने सलामती की खबर दो प्लीज। मुझे कुछ सुराग मिला है उन कातिलों के बारे में। उसी के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम इस केस से हट जाओ। माटी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऊपर से इतना बड़ा दबाव आया और वो चाहते हैं कि तुम एक और केस में जाओ। Why? क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं रहा। अरे मार्टिन, तुमने ही बोला था कि ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब तुम बोल रहे हो कि इस केस में कोई भी दम नहीं है? Hey, क्या हो रहा है दोस्त? अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तुम्हें एक हादसे के बारे में कहना है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी एक बुरी खबर मिली है। क्या? वो विवियन कई दिनों से गायब है। शिट, उस दिन रात को बाहर गई थी तब से गायब है। कल पुलिस वालों को उसका पर्स मिला था। मैं भी उसी के लिए परेशान हूँ, वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। तुम्हें पता विवियन इस वक्त कहाँ है? नहीं, वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? ओके, कसम खाओ कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई थी औजार खरीदने के लिए। क्या? किस लिए? पता नहीं, मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है वही कारण होगा जिस वजह से वो गायब है। बेशरम कहीं के, तुमने ये सब क्यों किया? गुस्सा मत हो, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें वो सब मुझे पहले बताना चाहिए था। तुमने सही कहा, बताना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे मार डालते। ये सब छोड़ो, पहले उसे बचाते हैं।
उसने कुछ बताया नहीं? नहीं दोस्त, उसने कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पास वो पर्स है? वो पुलिस वालों के पास ही है। तुमने उसका कमरा ढूंढा? ये वही टीनी बार तो नहीं जो वेस्टर्न साइड में है? क्या करें, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी भी तरह यहाँ से बच के बाहर निकल पाएंगे? हम जरूर बाहर निकलेंगे। कभी ना कभी अपने वो क्लाइंट को भेजेगा ना, जैसे वो बक रहा था। वो सब कब होगा? जरूर होगा, वो दरवाजा तो खोलेंगे ना कभी ना कभी। मेरा मतलब है वो अपने अमीर क्लाइंट्स को छोड़ेंगे ना हमारे पास। हाँ, और फिर अपने गार्ड्स को उनके पीछे भी छोड़ेंगे। तो क्यों, वो हमारी खबर नहीं रखेंगे? वो दरिंदे तो दरवाजे के बाहर गन लेके खड़े थे। ओके ओके, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं, तुम चाहती हो हम यहाँ रह के घुटके मर जाएं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मरूंगी तो अपने साथ सबको लेके जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये समझ लो तुम। हेलो लेडीज। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मे है। ओपन करो। एक मिनट रुको। मैं तुम्हें कैबिन में लेके जाना चाहता हूँ, तुम मेरी गेस्ट हो। तुम्हारा दिन अच्छा है, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा। तू मे के साथ क्या कर रहा होगा इस वक्त? वैसे हम लोग चाहे जो कुछ भी सोचें, लेकिन उसके साथ शायद उससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो रहा होगा। रियली? शायद ना भी हो। हाँ भाई, मैंने पहचानता हूँ। ये अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ काम करती थी, क्यों क्या हुआ? तुम उनके बारे में क्या जानते हो? वो हमेशा यहाँ आती थी या फिर वो यहाँ काम करती थी? तुम्हारा मतलब क्या है? कोई वजह जरूर है। यहाँ क्या करने आती थी? और किसके लिए करेंगे भाई, पैसों के लिए करते थे ना। इसके अलावा भी कोई बात है? याद करो, शायद तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ जाए। कुछ याद आ रहा है, कल रात को उन्होंने आखिरी बार काम किया था और कुछ पुराने केस भी थे। कल हादसा हुआ, कुछ लोग मारे गए, उनमें से एक को बुरी तरह काट दिया गया था, बस इतना ही। तुम उन्हें जानते हो? हाँ जानता हूँ। ठीक है, अरे बताओ वो कौन थे? स्टीव और वैज, यही लोग थे। दोनों अच्छे दोस्त हैं, एंजॉय करते थे। मैं, तुम ठीक तो हो ना? अब तक तो उन्होंने नुकसान पहुंचाया तुम्हें। सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। ऐसा मत कहो, हम सब बच निकलेंगे यहाँ से। मैं जानती हूँ मैंने क्या सहन किया है और आगे क्या होने वाला है, मैं समझती हूँ। वो क्या है? पैनियन ने जो मेरे साथ किया, अगर तुम सुनोगी तो तुम अपने आप को यहीं पे मार डालोगी।
मैं तो यही चाहती हूँ कि हम अपने आप को यहीं खत्म कर लें, उससे मौत आसानी से आ जाएगी। हाय, मेरी कैंडी लायो? बढ़िया है, कितना देना होगा मुझे तुम्हें? वैसे ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इसके बदले में क्या करना होगा मुझे? ठीक है, बस कुछ फोन कॉल, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जरूर करेंगे भाई। तो अभी भी उसी केस में काम कर रहे हो? क्या कहा? तो बेकार में विजिलेंस केस में दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं वही केस डील कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ यानी, जैकार्ड बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारा अभी भी उसके साथ रिश्ता है जो फेड के लिए काम करता है? चलो हसीनो, तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए आज वीआईपी क्लाइंट्स आए हैं। जाओ अंदर जाओ भाइयों। मजा करो। तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? वो इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त हैं दुनिया में, उनसे मदद लेनी पड़ी। यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ जो उनका बैंकर है उसने मेरी मदद की। मेरा मतलब है, चलो यहाँ से निकले। हाँ बिल्कुल। उस बैग में क्या है? छुटकारा। वाओ। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है चार्ल्स बॉन्ड के मर्डर केस में। हाथ आगे बढ़ाओ, हथकड़ी लगानी है। ये मेरी बेटी है। जब वो 14 साल की थी वो लोग इसे उठाकर लेकर गए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उसकी भी कोई वजह होगी। डेफिनेटली तुम लोगों ने उसके किए की उसे सजा दी होगी। अगर हम जेल में बैठे होते तो ये सब नहीं कर सकते थे। तुम्हारा कहने का मतलब? एक मिनट, मैंने ये नाम सुना है बेनियन, ये वही आदमी है जिसने हमें सताया था। तुम ठीक बोल रही हो। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ गया, आपने पहले भी इस नाम का जिक्र किया था। ओके, एक डील करते हैं। तुम लोग मेरी मदद करोगे उस बेनियन और उसके आदमियों को खत्म करने में। अगर इस मामले में तुम लोग मेरी मदद करोगे
तो मैं डिपार्टमेंट से सिफारिश करके तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा और जो भी एविडेंस रूम में रखे हैं मिटा दूंगा। डील? ओके। अब बताओ बैनन के बारे में क्या जानती हो? कुछ भी बताओ। वो क्या है? ये मुझे सर्च नहीं करने दे रहा। लगता है ये लॉक्ड हो गया, सिस्टम में प्रॉब्लम है। क्या करें? क्या हुआ? डिपार्टमेंट का कोई एक चाहता कि मैं इस काम को आगे अंजाम ना दूं। वो रोक रहा है। एक मिनट। ओ रुको एक मिनट, तुमने डिपार्टमेंट सिस्टम कितनी जल्दी हैक किया? ये हुई ना बात। वेल, जैसे आपने कहा, उन कुत्तों को ढूंढ निकालते हैं। ठीक है। ओके, एक बात याद रखना, एफबीआई के अभी हेडक्वार्टर से और मैं यहाँ से सब कुछ सुनता रहूंगा। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना, उसके मुंह से सब कुछ उगलवाने की पूरी कोशिश करना। अगर तुम लोगों को लगे कहीं वहाँ खतरा है तो मुझे सिग्नल कर देना, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगा। ओके, गुड। यस, यहाँ तीन लड़कियां आई हैं आपसे मिलने के लिए। जब मैंने उन्हें अंदर नहीं छोड़ा तो वो कह रही थी कि उन्हें आपसे काम। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। तीन टीनेजर हैं, एशियन गर्ल्स हैं। वो कह रही थी कि वो आपको गेट टाउन में मिल चुकी हैं। उनसे कहो मैं मीटिंग में हूँ और उन्हें रफा दफा कर। ओके सर। हे मिस्टर बैनियन, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल रहा है यहाँ पर। अगवा करना, रेप करवाना, खूब कमाते हो ना? ज्यादा बकवास मत करो, हम लोग रियल एस्टेट और ऑयल का धंधा करते हैं। ये कहाँ से आ गए? जैक, जल्दी आ जाओ। जैक, जैक आ जाइए तुरंत। धोखा दे दिया तुमने जैक। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, जैक गार्डनर नहीं पहुंच सकता है यहाँ। क्या करें, फंस गए। जैक अभी वही है। ओह माय गॉड, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। जेंटलमैन, तुम लोगों के लिए काम है, इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मार्टिन को तुरंत बुलाओ, जल्दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, खत्म करके रहूंगी। Oh my God! Marty! तुम्हारी ऐसी की तैसी। रुको रुको रुको, अरे क्या हुआ यहाँ? मतलब तुम नहीं जानते हो क्या? देखो हन्ना, उस कुत्ते ने तुमसे क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, हमारे डिपार्टमेंट के किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने मेरे सिग्नल को बंद कर दिया। वो शायद मेरा बॉस भी हो सकता है जिसे मैंने अभी अभी मारा है। कम ऑन लेडीज, मेरा भरोसा करो। मैं उनसे मिला होता तो मुसीबत क्यों मोल लेता? अगर मैं तुम्हें मारने की सोचता तो कभी का मार देता जब मैंने तुम्हें स्कूल में पकड़ा था। ठंडे दिमाग से सोचो, अब ठीक है? ठीक है। तुम्हारा शक दूर हुआ? हाँ। या ओके, सब खत्म हुआ, आओ चलें। रुको रुको गर्ल्स, अब क्या करने का इरादा है बोलो? पता नहीं, पहले स्कूल खत्म करेंगे फिर कॉलेज की तैयारी करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ मुश्किल सा लग रहा है। मजाक मत कीजिए। एक आइडिया है मेरे पास। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या तुम लोग मेरे साथ काम करोगे? आपके साथ, लेकिन क्या करेंगे? बैनन जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पकड़ने में मेरी मदद करना। तुम लोगों में बहुत टैलेंट है,
मैं तो बूढ़ा होते जा रहा, तुम लोग के साथ रहा तो मेरी भी मदद हो जाएगी। सोच के जवाब देना। Close your eyes.